हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो हम देख रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, और हमारी जो यहाँ पे यूनिट सेकंड चल रही थी, और आज जो हम इसका जो है सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में। यानी कि हम जो है अब तक न्यूटोनियन सिस्टम, न्यूटन लॉ क्या होते हैं, इन सबको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम समझेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारे जो है टोटल थ्री सिस्टम, तीन मतलब फ्लो आते हैं हमारे, प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो एंड डाइल्टेंट फ्लो। चलिए, तो इन तीनों को समझेंगे। तो हमने देखा कि न्यूटन फ्लो मतलब ये नॉन न्यूटोनियन हमारे वो होते हैं जो हमारे न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करते। सिंपल सी बात है कि न्यूटन ने कहा कि भाई हमें जो फॉलो करेगा हम उसी को जो है अपना नाम देंगे। यानी कि जिसने हमको फॉलो किया वो हमारे हो जाते हैं न्यूटोनियन सिस्टम, यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड या न्यूटोनियन फ्लो, और जो हमें फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे अपोक्ष हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अगेंस्ट। तो इसका नाम हो जाता है नॉन न्यूटोनियन, यानी कि जो न्यूटन फ्लो को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे इसमें हमने देखा कि हम जितना सीयर स्ट्रेस लगाते हैं उतना ही हमको जो है सीयर स्ट्रेंथ मिलता है। यानी कि जितनी तेज हम किसी चीज को हिट करेंगे, जितनी तेज, जैसे मान लो जितनी देर हिट स्लो कर रहे हैं तो वो स्लो जा रही है, स्लो कर रहे हैं वो स्लो जा रही है, तेज कर रहे हैं तो वो तेज जा रही है। यानी कि हम जितना इनपुट दे रहे हैं इस कंडीशन में उतना ही हमको जो है आउटपुट मिल रहा था। ये हमारा सिंपल न्यूटन लॉ था। एग्जांपल, जैसे दो दिया, दो इधर आउटपुट मिला, तीन दिया, तीन दिया। हमने किसी पे अगर बहुत मतलब 2 किलो का हम भार लगा रहे तो बहुत ही ज्यादा तेज आगे भी जाएगा उसी स्पीड से। तो ये हमारा था न्यूटन लॉ। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि हमारी विस्कोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। जैसे एग्जांपल समझो कि एक गिलास हमने पानी लिया, वाटर आपने गिलास में ले लिया। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें चम्मच डाल के आप उसको मिक्स कर रहे हो, बहुत तेज मिक्स कर रहे हो। अब वहां पे आप एक चीज देखोगे कि अगर आपने एक बार चम्मच हिलाई स्लोली तो पानी थोड़ी देर मूव करेगा, रुक जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर बहुत तेज चम्मच घुमा रहे हो बहुत तेज तेज, तो उसमें सीयर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पानी भी हमारा बहुत तेज राउंड करेगा मतलब गिलास में। आप ये चीज करके देखना मतलब सिंपल। अब अगर जब पानी हमारा रुक जाएगा उसके बाद देखेंगे जो पानी की विस्कोसिटी है, यानी कि जितना वो पतला था, गाढ़ा था, जैसा था, वो वाटर हमारा वैसा ही का वैसा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि न्यूटन लॉ में हमारी विस्कोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन नॉन न्यूटोनियन में क्या है, एक तो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि सीयर स्ट्रेस हम जितना देंगे उतना ये हमारा मतलब उतना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे वही मान लो कि हमने यहाँ पे धक्का लगाया, अब मान लो कि ये हमारा बहुत ज्यादा कोई भारी ऑब्जेक्ट है। जैसे सिंपल समझ लो, हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, अब बहुत से बहादुर बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रेन को धक्का लगा रहे हैं। अब अगर आप ट्रेन को कितना भी प्रेशर से धक्का लगा लो वो आप हिला नहीं पाओगे, नहीं हिला पाओगे ना। तो उस कंडीशन में क्या, आपने तो बहुत सारा फोर्स लगा दिया अपना लेकिन ट्रेन बिल्कुल भी हिली नहीं। तो ये हमारे नॉन न्यूटोनियन है, यानी कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना हमको आउटपुट नहीं मिल रहा, उसको और ज्यादा चाहिए तब वो मतलब हिल पाएगी हमारी। तो ये सिंपल हमारे नॉन न्यूटोनियन है, यानी कि हम अपने कारण जितना फोर्स लगा रहे हैं हमको उतना जो उसका आउटपुट या उतना उसका सीयर स्ट्रेंथ या रेट ऑफ सीयर हमको उतना नहीं मिलता, ये हमारे नॉन। अब इसमें जो हमारी विस्कोसिटी है ना, ये भी हमारी क्या हो जाती है, चेंज होती है, या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो इसको हम जो आगे फ्लो के टाइप में समझेंगे, बढ़ रही है कि घट रही है। अब जैसे एग्जांपल समझो कि ये ग्लास पानी है, हमने इसमें क्या किया, चीनी डाल दी, हमने 2-3 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे मतलब घुमाएंगे घुमाएंगे तो धीरे धीरे देखोगे भाई चीनी घुलेगी। अब चीनी घुलेगी तो क्या करेगी, वो एक एक पार्टिकल में मिक्स होगी, और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पानी की चाहे हल्की सी लेकिन थोड़ी सी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तब ये सादा सिंपल क्या था, पानी, लेकिन अब ये क्या है, चीनी का एक घोल हो गया, यानी कि चीनी का सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें थोड़ा सा इसकी जो है मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये ऐसे जो हमारे केस आते हैं ये हमारे नॉन न्यूटोनियन कहलाते हैं, यानी कि उस कंडीशन में हमारी या तो विस्कोसिटी बढ़ रही है या विस्कोसिटी कम हो रही है। तो ये हमारे सिंपल फंडस है। अब हम समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है, आप लिख लेना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है और विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एग्जांपल इसमें जैसे हमारे इमल्सन हो गए, थोड़े मतलब गाढ़े आपको दिखने में लगते हैं, जेल हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, ये सारी चीजें। अब बात करें नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, तो यहाँ पे जो हमारे थ्री टाइप इसके आते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं थ्री तरह के हमारे इसमें जो फ्लूइड होते हैं या फ्लो होते हैं। पहला हमारा है प्लास्टिक फ्लो, दूसरा हमारा है स्यूडो प्लास्टिक, और तीसरा हमारा होता है डाइल्टेंट फ्लो। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहले हम समझे प्लास्टिक फ्लो के बारे में। तो इसको आप नाम से ही कुछ कुछ मतलब समझ आ रहा होगा, प्लास्टिक फ्लो यानी कि इसमें हमारे ऐसे फ्लूइड्स आते हैं जो कुछ टाइम के लिए हमारे प्लास्टिक की तरह वो बिहेव करते हैं। प्लास्टिक की तरह कैसे, तो अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें, ये हमारा क्या है, कैप है। तो अगर मैं इसको खींचूं, देखो खींच रहा हूं, तो ये क्या है, वापस अपनी सिचुएशन में जा रहा है, खींच रहा हूं वापस जा रहा है, खींच रहा हूं वापस जा रहा है। तो ये इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है। यानी कि क्या है कि इनिशियल कंडीशन में जब हम ऐसे फ्लूइड पर अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई भी उनमें चेंज नहीं हो रहा है। तो यही तो हमारा है नॉन न्यूटोनियन। अगर न्यूटोनियन होता तो भाई स्टार्टिंग में जैसे न्यूटोनियन होता तो हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया किसी चीज में और वो हमारा क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, तो ये तो न्यूटोनियन होगा। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है इसमें कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा। एग्जाम्पल समझते, मान लो एक हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स हमारा कोई पुराना बॉक्स है, आपको कहा गया घर पे, मतलब घर घर की बातें हैं, बॉक्स है आपको कहा इसको खिसका के वहां पे कर दो, साइड में कर दो, इसको अलग पहुंचा दो। आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, आपने हाथों से इस पे धक्का लगाया, अब क्या होगा स्टार्टिंग में कि ये मूवमेंट ही नहीं करेगा। अगर भारी होगा तो स्टार्टिंग में मूव ही नहीं करेगा। आप फिर और फोर्स लगाओगे, ये फिर भी मूव नहीं करेगा। लेकिन एक कंडीशन आएगी, आपको फिर याद आएंगे अरे मूव कैसे नहीं होगा, आप और ज्यादा दम लगाओगे और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट धीरे धीरे करने लगेगा। और अब क्या होगा, अब आप में इतनी शक्ति आ चुकी होगी कि अब आप मूवमेंट करते जाओगे तो ये हमारा जो है मूव होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और जहां पहुंचाना होगा आप इसको खिसका के पहुंचा दोगे। तो इसमें आपने एक कंडीशन देखी कि स्टार्टिंग में आपने यहां पे जो फोर्स लगाया उस कंडीशन में ये हमारा क्या हुआ, मूव नहीं हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे भी हमारे कुछ फ्लूइड होते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग में फोर्स लगाते हैं तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, ना उनकी डिफॉर्मेशन इन शेप होती है, ना ही उनमें कोई और रीजन होता, ना ही उनका जो फ्लो यानी कि फ्लो होते हैं वो भी वो नहीं होते स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद यहां के, अब यहां तक तो आपने देख ली, लेकिन जैसे ही हमारा हल्का मूव किया उसके बाद आपने देखा ये हमारा कॉन्स्टेंट रेट पे मूव, यानी कि आप जैसे जैसे फ्लो लगाते जा रहे हो ये हमारा मूव होता जा रहा है, आप यहां से फोर्स लगाते जा रहे हो ये हमारा मूव होता जा रहा है। तो इस कंडीशन के बाद ये हमारे जो है न्यूटन लॉ को फॉलो करने लगते हैं, यानी कि हम जितना इस पे फोर्स लगाएंगे उसका जो रेट ऑफ शियर है वो हमारा उतना बढ़ता जाएगा, जी फॉर रेट ऑफ शियर, आप अभी समझ लो। तो जितना हम यहां पे फोर्स लगाते जाएंगे ये हमारा जो है बढ़ता जाएगा। तो यहां पे आपने एक चीज देखी कि स्टार्टिंग में तो ये हमारे फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन बाद में ये हमारे क्या करते हैं, फॉलो करने लगते हैं। तो आई होप आप सिंपल ये समझ चुके होंगे। बाकी जो कोई हमारे मेटेरियल फ्लूइड या फॉलो जो हमारे इसको फॉलो करते हैं प्लास्टिक फ्लो को, वो हमारे विंगम बॉडीज कहलाते हैं। चलिए और हम इसकी कुछ बातें समझते हैं। अब स्टार्टिंग में भी हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे थे ना, फोर्स अप्लाई कर रहे थे, वो आखिर जा कहां रहा था, अगर ये बक्सा हमारा मूवमेंट नहीं कर रहा था तो वो जा कहां रहा था। तो अगर हम इस बक्से के केस में देखें तो इसके और इसके बीच में जो फ्रैक्शन फोर्स था यानी कि जमीन वो तोड़ने में वो फोर्स का यूज हुआ, तभी तो ये हमारा यहां से मूवमेंट हुआ। अब इन केस में क्या होता है, जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं ये हमारे फ्लॉक्युलेटेड सिस्टम, यानी कि अगर हम इनके एग्जांपल बोलें तो ये हमारे क्या होते हैं, फ्लॉक्युलेटेड सिस्टम होते हैं और इसमें हमारे फ्लॉक्युल्स बने होते हैं। अब ये फ्लॉक्युल्स क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज समझ आने लगी। तो जो फ्लॉक्युल्स है ये हमारे कुछ नहीं अदर देन हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके इंट्रामोलिकुलर पार्टिकल्स है, ये आपस में कुछ झुंड की तरह फॉर्म होते हैं, यानी इस तरह हमारे ये पार्टिकल जो है फॉर्म होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब जब हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने जैसे इसमें फोर्स लगाया तो उस कंडीशन में हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते, तभी तो मूव कर पाएंगे ना, जब ये अलग होने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पार्टिकल थोड़े थोड़े अलग हो पाते हैं, पूरे नहीं हो पाते, थोड़े थोड़े अलग हो पाते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े अलग होगा लेकिन ये अभी भी अटैच है। फिर इसमें और फोर्स अप्लाई करते हैं और हमने जब इसमें और फोर्स अप्लाई किया तब क्या होगा, ये पार्टिकल्स हमारे बिल्कुल अलग हो जाएंगे और अब जो है ये हमारे इजिली जो है मूव कर पाते हैं, इजिली जो है फ्लो हो पाते हैं। तो ये हमारा सिंपल मैकेनिज्म जो है इसमें काम करता है और जिस फोर्स पे यानी कि जो जितना हम शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं उतने पे ये पार्टिकल्स हमारे यहां से यहां तक फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि उतने फोर्स पे जिस पे हमारे ये रेट ऑफ शियर यानी कि न्यूटन लॉ को जो हमारा फॉलो करने लगते हैं उतने फोर्स को हम बोलते हैं यील्ड वैल्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पे कि ये हमारा वैसे न्यूटन लॉ को फॉलो करता है लेकिन कब करता है, जब हमारी ये यील्ड वैल्यू को अटैच कर लेता है, यील्ड वैल्यू तक पहुंच जाता है। अब ग्राफ के टर्म में समझते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा है शियरिंग स्ट्रेस यानी कि ऊपर हम लगाते जा रहे हैं स्ट्रेस जो हम फोर्स लगा रहे थे वो, ये हमारा है रेट ऑफ शियर यानी कि वो हमारा जो डिफॉर्मेशन होता था यानी कि जो मूवमेंट हो रही थी वो चीज है यहाँ पे। अब देखो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इतना फोर्स लगाया इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर हमने इतना लगाया इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर हमने यहाँ पे लगाया तो इसमें हल्का सा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हुआ, फिर और बढ़ता गया और बढ़ता गया और यहाँ पे जाके ऐसी कंडीशन हो गई इसकी कि अब इसमें जितना फोर्स मतलब जितना हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं जितना फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं उसकी जो मूवमेंट है वो भी हमारी उतनी होती जा रही है। यानी कि यहां के बाद से हमारा इसने फॉलो किया है न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो, यानी कि यहां से इसने फॉलो किया। अब यहां पे हम एक डंडा सीधा खींचते हैं, यहां पे देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी कहलाती है यील्ड वैल्यू, यानी कि इतना जो हमारा फोर्स है ये जितना यहां से लेकर यहां तक जो हमने स्ट्रेस लगाया ये हमारा यील्ड वैल्यू के अंदर आता है। और जब कोई हमारा प्लास्टिक फ्लो में जब कोई भी हमारा फोर्स या शियर वैल्यू हमारे यील्ड वैल्यू पे पहुंच जाता है उसके बाद वो हमारा जो है फ्लो स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो उसके बाद क्या होने लगेगा, हमारा रेट ऑफ शियर को
चेंज करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये हमारे सिंपल कंपाउंड, ये सिंपल फंडा हमारा पूरा का पूरा होता है प्लास्टिक फ्लो का। मैथमेटिकली अगर देखते हैं हम सिंपल, तो हम एक चीज जानते हैं कि जो हमारा न्यूटन लॉ के अनुसार क्या है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर, यानी कि हमारा शियर स्ट्रेस जितना ज्यादा लगाएंगे उतना हमारा रेट ऑफ शियर चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से, यानी कि इस कंडीशन के बाद से हमारे ये जो हमारे ये नेचर था न्यूटन लॉ का, वो हमारा यहाँ से फॉलो होने लगा। सिंपल है ना। तो अगर हम यहाँ तो यहाँ तक के शियर स्ट्रेस को माइनस कर दें तो हमारा तो ये न्यूटन लॉ सिंपल है। तो हमने यही लिखा कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर, और यहाँ पे जो हमारा एफ फॉर हमारा शियरिंग स्ट्रेस है, आप यहाँ देख लो जी हमारा रेट ऑफ शियर है। यहाँ पे थोड़ी हमने वैल्यू सिंपल के लिए चेंज कर दी, और ये म्यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी है और एफ इज इक्वल टू है यील्ड वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू। अब अगर हम इस पूरे के पूरे एफ में से, यानी कि जो शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं इसमें से अगर हम ये वैल्यू माइनस कर दें यील्ड वैल्यू, तो हमारा यहाँ के बाद से जो हमारा ये है, ये हमारा क्या कर रहा है, रेट ऑफ शियर के बराबर चल रहा है, यानी कि ये हमारे न्यूटन लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हमने सिंपल क्या किया, इस एफ में से इस छोटे वाले यील्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, अब ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर के। तो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू म्यू जी, और यू अगर हम इस विस्कोसिटी के फॉर्म में लें तो ये यहाँ पे आएगा और ये जी हमारा इन दोनों के नीचे चला जाएगा, तो हमें ये यहाँ पे देखने को मिलता। और ये जो विस्कोसिटी है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक विस्कोसिटी। ये हमारा सिंपल पूरा फंडान है, मतलब मैथमेटिकली कैसे होगा, और ये हमारा यहाँ पे सिंपल है कि ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है अगर हम यील्ड वैल्यू को माइनस कर दें तो। और यील्ड वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जहां पे जाने के बाद हमारा जो रेट ऑफ शियर है वो हमारा चेंज होने लगेगा, यानी कि शियरिंग स्ट्रेंथ अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। ये हमारा सिंपल है। एग्जांपल देखें तो वही फ्लक्चुएटेड सिस्टम, यानी कि यहाँ पे हमारे ऐसे गुच्छे से बन रहे होते हैं वो वाला सिस्टम, और बाकी एग्जाम्पल देखें तो जिंक ऑक्साइड को अगर हम मिनरल ऑयल में मिला के जो हमारा जो भी हमारा सस्पेंशन फॉर्म होगा, वो हमारे इन प्लास्टिक फ्लो का एग्जाम्पल होते हैं। अब हम दूसरा समझते हैं अपना सूडो प्लास्टिक फ्लो के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है कि ये ऐसे फ्लो होते हैं जिसमें हम अपना मतलब शियर स्ट्रेस जब अप्लाई करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मान लो कोई हमारा एक ये लिक्विड है और ये थोड़ा विस्कस है, ठीक है। अब हम जब इसमें कोई भी फोर्स हमने अप्लाई किया तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो मतलब ये विस्कोसिटी इसकी कम हो जाएगी और ये हमारा इजीली जो है फ्लो हो पाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको देखने को मिला कि अगर हम शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो है रेट ऑफ शियर है, यानी कि जो फ्लूडिटी है वो हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसमें जो है बढ़ती है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो ग्राफ बनेगा अगर हम वो देखें तो शियर स्ट्रेस हमारा ऊपर है, रेट ऑफ शियर हमारा नीचे है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये बढ़ तो रही है लेकिन ये लीनियर नहीं है, लीनियर मतलब कांस्टेंट नहीं है, यानी कि हम जितना शियर स्ट्रेस दे रहे हैं उतना हमारा रेट ऑफ शियर नहीं बढ़ रहा, कुछ कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा बढ़ेगा तो कभी कम बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें मूवमेंट मतलब चेंज तो हो रहा है, देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हमारा रेट ऑफ शियर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये हमारा लीनियर नहीं होता है, इसलिए इसमें ये हमारा मतलब इक्वली नहीं बढ़ता। अगर इक्वली बढ़ता तो ये हमारा जो सूडो प्लास्टिक है ये हमारा न्यूटन लॉ के अंदर आ जाता, तो ये हमारा नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर नहीं आता। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा होता है। अब हम बात करें एग्जांपल की, एक अगर हम जनरल एग्जांपल देखें तो आप लोगों ने शैम्पू देखा होगा, आपका चिक शैम्पू कुछ भी होता है जो आप नहाते टाइम लगाते हो, क्लिनिक प्लस वगैरह, उसको आप हाथ पे लोगे तो मतलब बहुत ज्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा सा। लेकिन आप जिसके ऐसे मतलब रगड़ रहे हो, हाथों पे पूरे घुमा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपके हाथों के द्वारा उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। उसके बाद आप जब हाथों पे देखोगे तो मतलब एकदम लिक्विड की तरह हो जाता है, बिल्कुल वाटरी तरह के हो जाता है, मतलब उसका जो विस्कस नेचर है वो खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है वो, है ना। तो उस कंडीशन में आपने देखा कि आपने फोर्स अप्लाई किया और वो हमारा क्या हो गया, पतला हो गया, बहुत ज्यादा मतलब माइनर सा हो गया। तो ऐसे हमारे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ये हमारे सूडो प्लास्टिक फ्लो के अंदर आते हैं, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, तुरंत ही हमारा जो है हमको रेट ऑफ फ्लो देखने को मिल रहा तुरंत ही, और जो हमारे हैं ये पतले भी होते जा रहे हैं, यानी कि इनका जो विस्कस नेचर है वो हमारा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, विस्कोसिटी घटती जा रही। तो ऐसे हमारे कहलाते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लो। एग्जाम्पल्स मैं दिखाऊं इसी के साथ, मैं इसको मैकेनिज्म में आपको बता दूंगा। जैसे एग्जाम्पल हमारा है पॉलीमर, यानी कि ये हमारा हाइड्रोप्रोपाइल मिथाइलिल सेलुलोज, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इसको अगर हम पानी में मिला दें तो ये एक हमारा एग्जाम्पल होता है सूडो प्लास्टिक फ्लो का। जैसे ये देखो एग्जाम्पल है, ये हमारी कुछ पानी को हम जैसे देखते हैं लेयर वाइज फॉर्म में देखते हैं अगर, तो ये हमारा लेयर फॉर्म में है। अगर हम वैसे देखें तो मान लो ये हमारी कुछ बाल्टी है, कुछ भी है, और इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, इसमें हम क्या मिला दें, पॉलीमर मिला दें। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसको कि लेट करो कि ये हमारी वाटर की लेयर है, ये आपको दिख रही होंगी वाटर की लेयर। अब इसके अंदर जब हम पॉलीमर डालेंगे तो पॉलीमर हमारा आपको पता है एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, तो ये भी हमारी क्या करती है, पानी के साथ रिएक्ट करके और कुछ इस तरह हमारे यहाँ पे जो है फॉर्म हो जाती है। अब क्या करेगी, यहाँ पे ये लेयर को क्या करती है, अपोज करती है, रजिस्ट करती है, जिस वजह से ये फ्लो नहीं होने देती, और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, लिक्विड विस्कस है। अब जब हम इस पर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई करें, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो पॉलीमर्स की लेयर है ये हमारी ब्रेक होकर और हमारी इस फॉर्म में आ जाती है। आप यहां देखेंगे जैसा हमारे ये वाटर की लेयर है, इसी तरह से हमारी ये रेड अब यहां पे आ जाती है। अब इससे क्या होता है यहाँ पे कि ये हमारे इजीली मूव हो पाती हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पे जब हम शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो रेट ऑफ शियर है, यानी कि जो हमारा मूवमेंट है, फ्लूडिटी है, वो हमारी
होने लगती है, लेकिन ये हमारा इक्वली नहीं होती है। तो ये इस कंडीशन होती है और इस वजह से क्या हो जाता है, इसकी जो विस्कस नेचर है वो भी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे विस्कोसिटी हमारी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। सिंपल है। अब अगर एग्जांपल देखें तो मान लो यहाँ पे हम शियर स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगर यहाँ ध्यान दो आप तो देखो इस कंडीशन में यहाँ पे शियर स्ट्रेस हमारा ज़्यादा है, लेकिन अगर इसको हम नीचे यहाँ लेके जाएं तो विस्कोसिटी हमारी क्या है, बहुत कम है। इस कंडीशन पे देखें विस्कोसिटी हमारी बहुत ज्यादा है यहां पे देखो यहां तक, लेकिन शियर स्ट्रेस हमारा क्या है, बहुत कम है। यानी कि हमको यहां देखने से यह समझ आ रहा है कि शियर स्ट्रेस जितना ज्यादा दे रहे हैं उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम हो रही है। तो वही तो हमारा यहां पे था फॉर्मूला कि विस्कोसिटी हमारी घटती जाएगी जैसे जैसे हम इसमें जो है शियर स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे। अब इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होती है वही वाली कि यहां पे क्या है कि हम जैसे ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, हमारा रेट ऑफ जो शियर है यानी कि यहां पे जो शियर स्ट्रेस है वो हमारा चेंज होता जा रहा है। सिंपल है। और ये हमारा होता है एफ इजिकल टू म्यू जी, म्यू इजिकल टू विस्कोसिटी। अब यहां पे एक हमारा टर्म आता है नया, वो हमारा होता है एन। अब एन हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट्स होता है। अब इसकी वैल्यू अगर वन हो गई, समझो अगर वन हो गई तब क्या होगा, एन इजिकल टू वन हो जाएगा तो हमारी एफ इजिकल टू म्यूजी हो जाएगी। और ये इक्वेशन तो हमारी न्यूटन लॉ की है तो भाई ये हमारा न्यूटन लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन हमारे सूडो प्लास्टिक फ्लो तो हमारे न्यूटन लॉ में आ ही नहीं सकते। तो इस वजह से जो हमारी एन है इसकी वैल्यू हमारी वन नहीं होती है, कुछ और ही होगी चेंज, और तब ये हमारे आते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लो में। सिंपल है, फंडा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रेट बना दूँ तब क्या होगा, ये चीज़ आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा फ्लो है डाइलटेंट फ्लो। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लो है और देखने में मतलब इसका बहुत लोग बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ करते हैं। हो सका तो मैं एक दो इसकी जो है वीडियो अटैच कर दूंगा यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम कोई भी सीयर अपना अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, इसकी जो विस्कोसिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि जो कोई भी गाढ़ा लिक्विड हमारा होता है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारा गाढ़ा हो जाता है। सिंपल इसका फंडा होता है डाइलटेंट फ्लो का, ठीक है। और इसमें भी हमारा जो है रेट ऑफ सीयर बढ़ता है क्योंकि भाई मूवमेंट इसमें भी हो रही है। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें हमारे ऐसे सस्पेंशन आते हैं जिसमें क्या होता है 50% से प्लस हमारे डीफ्लॉक्युलेटेड होते हैं। फ्लॉक्युलेटेड हमारे क्या थे, हमने पहले ही बता दिया कि ऐसे हमारे झुंड बने होते हैं। डीफ्लॉक्युलेटेड क्या होते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। सिंपल फंडा है ना। तो एग्जांपल इसका हम देखते हैं, उसी के सारे हम आगे की बात नहीं समझेंगे। कॉर्न स्टार्च इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर हमारा कॉर्न स्टार्च, कैसे एग्जांपल हम थे, मानो ये हमारे क्या है, वाटर है पूरा। अब हमको एक चीज पता है, इसमें हमारा वाटर जो है कम है, बाकी जो हमारा मटेरियल है वो हमारा 50% से ज्यादा, यही तो मैंने बात बताई। यानी कि सस्पेंशन ऐसे होता है जिसमें हमारा डीफ्लॉक्युलेटेड पार्टिकल्स है वो हमारा 50% से ज्यादा होता है। तो वो हमारा पार्टिकल कुछ इस तरह होता है, पूरा का पूरा मतलब बिखरा हुआ होता है और अलग अलग होता है, पूरे में मतलब घुला मिला, पूरे में ही मतलब बिखरा रहेगा पूरे के पूरे पार्टिकल्स में। अब क्या होता है कि जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे यहां से, अगर मैं आराम आराम से कुछ भी अप्लाई करूं तब तो वो आराम से इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर कोई फोर्स हम सडनली अप्लाई करते हैं, अगर हम इसमें कोई फोर्स सडनली अप्लाई करें तो उस टाइम पर क्या होता है, हम देखते हैं यहां पर कि जैसे समझो ये मेरा मतलब पानी है, ठीक है, और ये हमारे थे फ्लॉक्युलेटेड पार्टिकल, ये डीफ्लॉक्युलेटेड पार्टिकल। तो क्या होगा कि जब हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इनके अंदर का पानी वो हमारा बहता हुआ अलग चला जाएगा, क्योंकि वाटर हमारा बहुत ही मतलब उस पर फोर्स लगेगा, वो मूव हो जाएगा अलग, क्योंकि वाटर तो हमारा न्यूटन लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन जो पार्टिकल्स ये हमारे हैं, ये हमारे क्या करेंगे, जब इनके अंदर से पानी तुरंत चला जाएगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, यानी कि इनके अंदर वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे, वॉइड्स हमारी खाली जगह ये क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ फोर्स लगेगा, ये पार्टिकल सभी के सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और इनके बीच में वॉइड्स है, पानी नहीं है, तो ये एक तरह से इतना जो इलाका होगा ये हमारा सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, एकदम सॉलिड की तरह, ठोस सॉलिड के अंदर। तो इसमें क्या होगा, जब हम फोर्स से मारेंगे तो इसमें कुछ भी अंदर मतलब जाएगा नहीं, और यहीं के यहीं से हमारे ये पार्टिकल वापस लौट जाएगा और ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, फुल विस्कस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ये स्ट्रेस हटाएंगे ये हमारा अगेन जो है नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। तो ये हमारे कुछ ऐसे फ्लो होते हैं डाइलटेंट फ्लो। आपको शायद एक दो वीडियो में यहाँ अटैच कर दूंगा, आप उनको अच्छे से देख लेना। और इन्हीं फ्लो ऐसे मतलब ये फ्लूड होते हैं जिसके ऊपर लोग साइकिल भी चला लेते हैं, लोग भाग भी लेते हैं, लोग मतलब हथौड़ियों से मार लेते हैं, मतलब कुछ भी कर लेते हैं, वो इसके अंदर डूबते नहीं है। तो ये सिंपल था इसका फंडा होता है, इसी के मकान में होता है कि मान लो कोई मतलब बहुत तेज पे जंप किया तो जंप करने की वजह से होगा यहाँ का पानी पानी होगा वो मूव कर जाएगा, बाकी जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे रहेंगे और उनके बीच में वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे और वो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक सॉलिड की तरह इंटरफेस कर देंगे क्रिएट, जिस वजह से इस पे जो है कोई भी आराम से खड़ा हो लेगा, क्योंकि सॉलिड के ऊपर कोई भी खड़ा हो लेता है। तो ये इसका सिंपल फंडा था। और ये इसका कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा कि यहाँ पे देखो शियरिंग स्ट्रेस बढ़ रहा है और रेट ऑफ शियर, दोनों की चीजें हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और ओरिजिन से हमारा जो है यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है।
सिंपल फंडा है और ये हमारा इसका मैकेनिज्म आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। और एग्जांपल कॉर्न स्टार्च इन वाटर है, बाकी विस्कोसिटी हमारी क्या हो रही है कि शियरिंग स्ट्रेस देखो हम बढ़ाते जा रहे हैं और विस्कोसिटी भी हमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब ज़्यादा होगी हमारी, जैसे शियरिंग स्ट्रेस हमारा जहाँ पे यानी कि फोर्स ज़्यादा है उस कंडीशन हमारी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वही मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो आई होप आप लोग ये तीनों के तीनों फ्लो समझ गए होंगे। अगर आपको इनमें फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, बाकी इनके जो नोट्स होंगे वो हमको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर।